नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज की चर्चा में हमारे साथ एक एक्सपर्ट का बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं ऋषि नथानी, CBO हैं MCX के। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी इब्जा के। साथ ही अनुज गुप्ता हैं IIFL के और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सेबी ने यह आदेश जारी किया है कि अब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किसी एक कमोडिटी में भी ये शुरू हो सकते हैं। इसकी मंजूरी सेबी की तरफ से मिल गई है। एक्सचेंजेज ने इसकी डिमांड की थी। इसका मतलब क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताने के लिए ऋषि नथानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, CBO हैं MCX के। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या मतलब क्या है सर इस खबर का, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग शुरू कर पाएंगे, क्या मतलब है इसका, जरा समझाइए। नमस्कार मृत्युंजय जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है सभी की तरफ से। हाँ। क्योंकि अब क्या है, जैसे पहले मिनी थे और लार्ज कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट थे, फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट रह गया, तो अब हम मिनी भी लॉन्च कर पाएंगे। मेरा यही समझ है इससे कि एक एक हर कमोडिटी में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हर मार्केट पार्टिसिपेंट के अनुसार लॉन्च कर पाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब ये हुआ कि जो जिस कमोडिटी में अभी ट्रेड मान लीजिए फ्यूचर में हो रहा है लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में, अब उसका मिनी भी आप शुरू कर पाएंगे। अभी तक ये था कि अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको एक ही में करना पड़ेगा, चाहे तो लार्ज करें चाहे मिनी करें, राइट सर? हाँ, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट था अब। हाँ। बुलियन के अलावा बाकी कमोडिटीज में एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, तो अब ये जो सभी सर्कुलर है ये बोल रही है कि एक्सचेंजेस अब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर पाएंगे। अच्छा, तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए अच्छी इस खबर के अंदर की खबर ये है, जो आप लोग लगातार सवाल भी पूछते हैं हमारे शो में कि मेटल के मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, बहुत सारे ऑडियंस ये सवाल पूछते हैं। तो मतलब ये मेटल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है सर आपका मिनी कॉन्ट्रैक्ट, तो अब मेटल में मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा इसके बाद ऋषि जी? ये तो देखिए सब स्टडी करना पड़ेगा, रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तो एक इनेबलिंग प्रोविजन आया है आज, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इंडस्ट्री की भी डिमांड थी, ब्रोकर एसोसिएशन भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बाकी एसएमई एमएसएमई भी कर रहे थे, क्योंकि हर आदमी के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, एक छोटा सवाल ऋषि जी मैं आपसे और पूछता हूँ। गोल्ड सिल्वर में तो ऑलरेडी है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी कमोडिटी इस वक्त है जहां पर आपको लगता है कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वहां पर ये हो सकता है? देखिए ये तो हम ही क्लैरिटी लेंगे कि क्या क्या चीज में कर सकते हैं और उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी तो सर्कुलर आज ही आया है तो अभी बताना मुश्किल है। ठीक बात है, मतलब ये मोटा मोटी खबर अभी हमने आपको बता दी है, ऋषि जी ने भी आपको मोटे तौर पर बता दिया है कि इसका मतलब है क्या। अब डिटेल अभी और आने हैं, उसके बाद ये स्टडी होगी और फिर तय होगा कि किस किस कमोडिटी में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया ऋषि नथानी जी आपका त्वरित रिएक्शन के लिए, इस खबर पर हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आई है, गोल्ड इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है और रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है सोर्सेज के हवाले से, जिसमें यह कहा कि दिसंबर में 79% जी हाँ 79% गोल्ड का इंपोर्ट घटा है, 20 टन के आसपास का इंपोर्ट रह गया दिसंबर के महीने में। 2022 में कुल 34% की गिरावट आई है इंपोर्ट में 2021 के मुकाबले। ये गिरावट क्यों आई है, इसका आगे क्या इंपैक्ट होगा, इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक नई और एक बड़ी खबर आ रही है, CPI के नंबर आ गए हैं, जहां रिटेल महंगाई के नंबर आ गए हैं और रिटेल महंगाई के नंबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं 5.72%। जी हां 5.72% दिसंबर में खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है, महंगाई में कमी आई है 5.88% से घटकर 5.72% का ये आंकड़ा है दिसंबर में खुदरा महंगाई का। तो महंगाई हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन ये है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसको आप कह सकते हैं कि कंटिन्यू है, 5.88% से घटकर 5.72%। तो उस मोर्चे पर थोड़ी हल्की राहत की बात ज़रूर है कि महंगाई कम होती हुई अब दिख रही है और IIP के नंबर भी आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। IIP के नंबर मेरे ख्याल से 7.1% हैं, मार्केट का अनुमान कम था इससे, तो ये अलग अलग आंकड़े हम आपको इस पर बता रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर।
महंगाई के आंकड़े घटकर आए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है दिसंबर के महीने में, लेकिन फिर भी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो गिरावट का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है सर, 5.72%। आपका पहला रिएक्शन? अच्छी खबर है कि गिरावट है, लेकिन हमें ये फर्क जानना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन होता है और प्राइस होता है उनमें फर्क है। मतलब कि अगर पिछले साल 100 रुपए के दाम थे और 10% का इन्फ्लेशन था तो 110 हो गया। अब अगर समझिए 5% का इन्फ्लेशन रेट है तो ऐसा नहीं कि 105 हो गया, पर वो 115.5, यानी दाम तो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहेगा तब तक मतलब दाम बढ़ रहे हैं, और जो आम जनता है उसको तो दाम से मतलब है कि मैं 110 दे रहा हूँ या 115.5 दे रहा हूँ। नहीं सर, लेकिन अगर इन्फ्लेशन नेगेटिव में आ जाएगा सर, फिर तो और दिक्कत वाली बात है। नहीं, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब जो कंज्यूमर है और खासकर असंगठित क्षेत्र का, उसकी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, तो उसकी जेब पे एक तरह से जो भार पड़ा हुआ है बिजनेस का, तो बिजनेस दाम बढ़ा देती है तो फिर वो उसकी जेब से खाली होता है। तो जब सैलरी भी तो बढ़ती है सर, साल दर साल सैलरी भी तो बढ़ती है, ये ठीक बात है, कभी कम ज्यादा वो अलग मसला है। सैलरी तो संघर्ष क्षेत्र की बढ़ती है, असंघर्ष क्षेत्र की नहीं बढ़ती है। हाँ, ये बात ठीक है। सैलरी जो है वो सरकारी जो मुलाजिम है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन जो असंघर्ष क्षेत्र में है उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा बाद में बढ़ती है। तो हमारे यहाँ तो 94% लोग असंघर्ष क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब जो परेशानी का दौर बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चूंकि अभी पूरी दुनिया में महंगाई को लेकर चर्चा है, और महंगाई को लेकर ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महंगाई का ये गिरता ट्रेंड ब्याज दरों के लिए क्या संकेत है? क्या अब रिजर्व बैंक का जो रुख है ब्याज दरों को लेकर थोड़ा नरम पड़ेगा? नहीं, ऐसा है कि अभी जो हमारे यहाँ जो ब्याज दर कम करते हैं उसका असर होता है डिमांड पे, डिमांड कम हो जाती है, लेकिन उससे जरूरी नहीं कि दाम कम हो जाए। दाम कम तो अभी इसलिए ये मतलब दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक दुनिया भर में है, चाहे वो यूक्रेन वॉर की वजह से हो, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से हो। तो आपने इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा किए तो उससे यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकता, उससे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी नहीं रुकती है, और जो मेटल्स और बाकी उसमें जो दाम तेज हुए थे क्योंकि सप्लाई बॉटलनेक आ गए थे वो नहीं रुकते हैं। तो इसलिए जो हमारा चक्कर क्या है कि जब तक अमरीका बढ़ाता रहेगा तो हमें भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से कैपिटल बाहर जाने लगेगा। तो क्योंकि अमरीका में बढ़ा रहे हैं, यूरोप में बढ़ा रहे हैं, यूके में बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल बाहर ना जाए इसलिए आरबीआई बढ़ा रहा है, नहीं तो उसका असर तो उल्टा होता है कि जो दाम कंट्रोल में नहीं आते लेकिन आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। ओके। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और कि 6% से कम महंगाई का रहना, मतलब रिटेल महंगाई का रहना, क्या ये कंफर्ट जोन कहा जाएगा? क्योंकि आरबीआई का भी 6% से कम का ही है कंफर्ट जोन, तो क्या हम कंफर्ट जोन में अभी हैं? बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि 4%+-2% है ना, मतलब छूट है आपको +-2, पर 4 को माना गया है सही, और ज्यादा है तो मतलब कि आपको उसको कम करना है। तो आरबीआई कोशिश में है कि उसको कम किया जाए, तो उसको कम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी की समय जरूरत है, क्योंकि एक तो जैसे पेट्रोलियम गुड्स हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं तो सबके दाम बढ़ जाते हैं, और पेट्रोलियम पे हम लोगों ने जो वैट बहुत लगा रखा है, स्टेट्स ने एक्साइज ड्यूटी बहुत लगा रखी है, अगर वो देखिए जब हमारा $120 पे पहुंच गया था पेट्रोल, अब वो 70-75 पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा गिरावट है, पर हमारे जो कंज्यूमर है उसके जो प्राइस में कमी नहीं आई है, वहां पे कमी की जा सकती है ना। और खासकर जब क्योंकि रूस से हमको बहुत सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है, $25 बिलो द यूक्रेन वॉर प्राइस, तो हमें वो क्योंकि सस्ता मिल रहा है तो हम काफी कम कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि 10-15 रुपए तो हम कम ही कर सकते हैं डीजल पेट्रोल वगैरह पे, और उसका असर होगा पॉजिटिव कि सारे दामों पे असर पड़ेगा। तो ये फिस्कल पॉलिसी की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें। ठीक है, एक सवाल सर आपसे और कि आपको लगता है कि अभी आने वाले वक्त में रिटेल महंगाई और कम होगी? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कच्चा तेल 80 के रेंज में ही घूम रहा है लंबे वक्त से, और आगे भी क्रूड को लेकर तेजी वाली कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि एक तो मंदी की आशंका बनी हुई है दुनिया भर में, हालांकि चाइना से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन ठीक है मंदी वाली बात है, सप्लाई को लेकर कोई बड़ा कंसर्न है नहीं। रूस की तरफ से ये बयान आया है कि वेस्टर्न पाबंदी के बावजूद उनके उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए कि आने वाले वक्त में रिटेल महंगाई और कम होगी सर?
ऐसा है कि अभी हम कह नहीं सकते कि यूक्रेन के युद्ध कितना देर चलेगा और कितना उसमें और ज्यादा परेशानी आएगी, क्योंकि अगर रूस हारने लगता है वहां पे यूक्रेन में जैसे लग रहा है, तो फिर यूक्रेन जो उसको और तेज कर देगा, फिर वो और भी जो मतलब जैसे कि पेट्रोल वगैरह सप्लाई करता है, गैस सप्लाई करता है यूरोप, उसमें भी कटौती कर देगा। और ये बात सामने आ रही है कि वो जब प्राइस कैप लगा रहे हैं तो रूस ने कह दिया है कि हम तो जो फिर सप्लाई नहीं करेंगे, उससे सप्लाई में जो असर पड़ेगा दुनिया भर में तो दाम फिर बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सप्लाई बॉटलनेक के चलते हुए, क्योंकि अभी एक कोल्ड वॉर सी शुरू हो गई है, जैसे कि बहुत सारे आइटम्स इंडिया में आते हैं, एपीआई आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो कंपोनेंट्स आते हैं वगैरह वगैरह, अगर उनमें कहीं रुकावट आती है तो इन्फ्लेशन फिर तेज हो जाएगा। तो अब एक अनिश्चितता का काल है कि जब तक ये यूक्रेन युद्ध और जीरो कोविड पॉलिसी और जो अमरीका और बाकी में तनातनी ये चलती रहेगी, तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस समय। और अच्छी बात होगी कि गिर जाए दाम, सबको फायदा होगा, है ना, ट्रेड ठीक से चले, सबको फायदा होगा। पर क्योंकि इतना अनिश्चितता का काल बना हुआ है कि पता नहीं युद्ध में क्या होगा, कोविड का क्या होगा, अब अमेरिका में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, चीन में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, उन्होंने जापान और कोरिया से जो आना बंद कर दिया लोगों का, क्योंकि वहां पे उनको बंद कर दिया है, तो वहां पे भी केसेस बहुत सारे हो रहे हैं। तो अनिश्चितता का काल जब तक बना रहेगा तब तक ये परेशानी रहेगी कि दाम कम नहीं होंगे और ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, जिसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अगर अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन की तरफ जाएगी तो एक परेशानी और बढ़ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो रिसेशन में चला जाएगा, रिसेशन तो एक तरफ रहेगा, दाम फिर भी बढ़ते रहेंगे। okay. तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसमें रिसेशन भी हो सकता है, दाम भी बढ़ते रह सकते हैं। नॉर्मली रिसेशन में दाम कम हो जाते हैं, तो वो स्थिति शायद ना भी आए, पर हम कह नहीं सकते पूरी पक्की तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो खबर अभी हमने आपको बताया था पहले कि गोल्ड इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है, इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट क्यों गिरा है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। मेहता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों सर, मतलब जो रिपोर्ट आ रही है कि दिसंबर के महीने में 79% गोल्ड का इम्पोर्ट कम हुआ है, क्या वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो गोल्ड के प्राइस में जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, वो एक मेजर वजह है। और उसके साथ साथ ही भारतीय बाजारों में हमने देखा कि रुपए में गिरावट आई, और रुपए में गिरावट सिर्फ दिसंबर के महीने में ज्यादा नहीं आई, बल्कि यदि आप पिछले एक साल में गिरावट देखें तो लगभग 12-13% की गिरावट रुपए में आई है। तो इन सबके मद्देनजर भारतीय बाजारों में जो सोने के दाम है वो लगभग हमने देखे कि 56,000 के आसपास पहुंच गए। तो यही एक कारण है, ये एक कारण है। और दूसरे जो कारण है वो जिस तरह से इलीगल माल की सप्लाई होती है वो उसमें अचानक से बढ़ोतरी आ गई, तो उसकी इन दोनों वजह से हमने देखा कि सोने के इंपोर्ट के अंदर कमी आई है। तो अभी इंपोर्ट आगे और कम होगा सर? देखिए, जैसे ही सोने के दाम बढ़ते हैं तो ज्वेलरी की डिमांड तो कम हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है, तो डेफिनेटली सोने का इंपोर्ट और भी कम होगा। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी चीज दर्शाता है कि जो हमें हमारे देश के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी स्थिति जरूर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि गिरावट लगभग 300 टन के आसपास की है। पिछले साल 1,046 टन हमने माल इंपोर्ट किया था, इस बार सिर्फ 706 टन माल हमने इंपोर्ट किया है। तो एक तरफ से स्थिति बेहतर है और इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट की मार गोल्ड इंडस्ट्री पर नहीं पड़ी। ओके, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़ों को समझाने के लिए। और चलिए अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में इस वक्त करीब करीब 160 रुपए की तेजी है, 55,856 ये गोल्ड का ताजा भाव है। ग्लोबल भाव में करीब करीब $9 की तेजी दिख रही है। अनुज जी बताएं सर, आज शाम के लिए गोल्ड में क्या किया जाए? मिथुन जी देखिए, आज यूएस में डेटा आना है सीपीआई का और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मगर जिस तरीके से हम डॉलर में तेजी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। और नीचे प्राइस 55,700 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि 56,000 से लेकर 56,100 तक का लेवल गोल्ड में देखा जा सकता है। ओके, माल्या जी चांदी में क्या करें सर? 68,500 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है, मार्च फायदा की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एंट्री करने की सलाह रहेगी। 67,800 का स्टॉप रहेगा
और ऊपर में टारगेट 69,900 के लिए रहेंगे। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अर्जुन का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं, पूछिए अर्जुन जी। सर मेरा सवाल ग्वार पे है कि जनवरी अंत तक 7,000 रुपये आ जाएगा क्या? जनवरी के अंत तक 7,000 का भाव, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं तो जनवरी का पूछ रहा हूँ हाजिर में। अच्छा हाजिर के लिए पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। क्या लगता है अनुज जी आपको? देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट आया है और प्राइस सस्टेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी जनवरी महीने के एंड तक आपको फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 7,000 का लेवल देखा जा सकता है, और फिजिकल के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि 6,800-7,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर फरहान है रामपुर से, पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सर जी, पहले तो आपके शो की तारीफ, आप इतना अच्छा शो चलाते हैं और अच्छी एडवाइस चलाते हैं और आगे भी ऐसे करते रहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मेरा सवाल अनुज सर से था, अनुज सर ने पहले मुझे टारगेट दिया था जनवरी का 1100 रुपए का मेंथ ऑयल का, 1080 रुपए गया तो फिर बैक आके 1048 आ गया, क्या ये नीचे और जाएगा या फिर 1100 का टारगेट है जनवरी के? बताइए अनुज जी, 20 रुपए से आपका टारगेट रह गया था, अभी 1100 दोबारा संभव है? देखिए मुझे लगता है कि एक बार इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर इनका पोजीशन है तो, क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 दिनों से थोड़ी गिरावट आई है। अगर नीचे प्राइस दोबारा 1020 के आसपास मिले तो वहाँ पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 1100 का टारगेट यहाँ पे अचीवेबल है, जो कि आपको जनवरी एंड या फरवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, अच्छा अब बात कच्चे तेल की। माल्या जी क्रूड में इस वक्त करीब करीब 60 रुपये के आसपास की तेजी है, 6,390 का लेवल है, 1% के आसपास की तेजी रह गई है, कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है, यहाँ करना क्या चाहिए क्रूड में? मेरे ख्याल से यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है यहाँ पे 6,510 तक के लिए, तो अगर किसी का अगर यहाँ पे करना है कुछ स्ट्रेटेजी तो 6,350 पे बाय करने की सलाह रहेगी। जनवरी वाइड 6,270 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 6,510 के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर, 6,350 का बाइंग का लेवल, टारगेट 6,510 का, इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल है पराग का, कानपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए पराग जी। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा सवाल कृष्ण जी से था कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज गोल्ड में क्या करना चाहिए बोली बताइए माल्या जी, गोल्ड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं आज? बाय करके चलना चाहिए, 55,740 एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस 55,540, टारगेट 56,140। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुदर्शन है कोल्हापुर से, पूछिए सुदर्शन जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी मेटल में सब इंटरनेशनल लेवल पे हाई लग गए हैं, यानी सोना ऑल टाइम हाई लग गया, बाकी मेटल लग गए, पर चांदी क्यों इतना दबा हुआ है? चांदी का जो ऑल टाइम हाई है वो 4950 का है सेंट का, तो चांदी क्यों अब तक नहीं लगा हुआ है, क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है चांदी क्यों नहीं ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच पा रही है, ये आप जानना चाहते हैं, बताइए अनुज जी क्या वजह है? देखिए थोड़ा डिमांड कंसर्न यहाँ पर है, मगर अगर आप देखेंगे तो चांदी में जो मोमेंटम था, लो से जो रिकवरी आई है वो गोल्ड से ज्यादा रिकवरी हमने चांदी में देखी है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम वाइज चांदी में मोमेंटम ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे। बट हाँ डेफिनेटली जो हाईस थे वो उतने नहीं पहुंच पाए, मगर जो मोमेंटम अभी भी बाकी है वो हमें लगता है कि आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और सिल्वर ही है जो आगे मार्केट को लीड करेगा। मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर पहले आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बाकी मेटल्स में गोल्ड के अंदर मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इंद्रजीत हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है सिल्वर पर। मैंने 70,300 में सिल्वर बेचा है, तो मेरे को क्या 66,500 का लेवल मिल सकता है एक दो दिन में? 70,300 पर आपने बेचा है और आप कह रहे हैं कि 66,000 का लेवल मिल सकता है क्या, बताइए माल्या जी। इमीडिएट यहाँ पे जो ट्रेड दिखा है वो 70,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी इन द मनी है, ऊपर वाले भाव में बेचा है, इनको यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र हैं महाराष्ट्र से, पूछिए जितेंद्र जी। सर मेरा सवाल सोयाबीन पे है, जहाँ तक की सोयाबीन की एक आपके यानी एक बिजनेस चैनल से न्यूज पड़ी है कि सोयाबीन का जो इंपोर्ट टैक्स है वो मार्च के बाद खत्म हो जाएगा, पहले आप खबर को ठीक से समझिए। खबर क्या है बताता हूँ आपको, खबर यह है कि क्रूड सोया तेल का जो इम्पोर्ट TRQ यानी टैरिफ रेट कोटा के तहत होता था, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट जो 20 लाख टन सरकार ने अलाउ किया था सोया तेल के लिए और सनफ्लावर ऑयल के लिए, उसमें से खबर ये आई है कि अब 1 अप्रैल से
क्रूड सोया तेल का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसको रोक दिया गया है, उसके बाद ड्यूटी पे करके इंपोर्ट लाना पड़ेगा, है ना। और हालांकि सूरजमुखी का, सनफ्लावर का जो है वो कंटिन्यू रहेगा अभी इंपोर्ट, और क्रूड सोया तेल का इंपोर्ट 1 अप्रैल से ड्यूटी फ्री नहीं होगा। अब आपका दूसरा सवाल है कि इसका इम्पैक्ट सोयाबीन कीमतों पर होगा क्या, तो ये आपको अनुज जी बताएंगे। बताइए अनुज जी। देखिए उसका इम्पैक्ट एक नीजर रिएक्शन ये हो सकता है कि आपको प्राइस में एक बार बाउंस बैक आ सकता है, मगर ज़्यादा तेजी हम नहीं लगता है कि ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप इसको भारतीय कंडीशन में देखेंगे तो इस बार क्रॉप काफ़ी अच्छा है और जो भारतीय जो मिलर हैं वो यहाँ पर क्रश कर सकते हैं, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। तो मुझे लगता नहीं है कि उसका कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है, मगर ज़्यादा लंबी तेजी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीताराम है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सीताराम जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर जो अमेरिका का सीपीआई डाटा है वो अनुमानित 6.5% है, अगर सीपीआई डाटा इससे बढ़कर आता है तो गोल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी रेट या फिर कम होगा? देखिए बढ़ के आता है तो मेरे ख्याल से तब तो गोल्ड गिरना चाहिए, क्यों माल्या जी? हाँ जी सही है, क्योंकि कोई भी डेटा अगर अच्छा आता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव होता है, और अगर खराब आता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, सीपीआई डेटा अक्रॉस द ग्लोब वॉच करते हैं और अकॉर्डिंगली इस कमोडिटी में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इवेंट को अच्छे से जज कर पाए और समझ पाए तो ही ट्रेड ले इवेंट बेसिस पे, अदरवाइज इवेंट को प्ले आउट ना करें इवेंट होने के बाद ट्रेड। कैलाश चंद्र मोदी अब हमारे साथ जुड़े हैं सदुलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आपसे एक दो बार पहले ही पूछ रहा हूँ कि क्रूड के अंदर 2020 मार्च के अंदर जैसे माइनस में बिका था वैसे ही हालत तो नहीं होगी ना? अरे क्यों आप बार बार क्यों याद दिला रहे हैं 2020 के, बताइए। मेरे को बहुत डर लग रहा है इस चीज का। क्यों डर क्यों लग रहा है आपको, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है कि उतनी गिरावट आ जाएगी? माइनस में बिका था तब, बार बार आप याद दिला रहे हैं 2020 की याद दिला रहे हैं कि माइनस में क्रूड गया था। देखिए अभी सवाल का भी इसलिए कोई मतलब नहीं है, मैं एक्सपर्ट के पास क्या जाऊं, मैं खुद आपको बताता हूं कि इसका मतलब अभी इसलिए नहीं है कि अभी $80 के आसपास है ब्रेंट, कि होने का तो कुछ भी हो सकता है और उसका तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए लगता नहीं है कि वो सिचुएशन दोबारा आएगा, क्योंकि कोविड वाला जो मामला था वो तो बहुत किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तो वैसा मामला बार बार होता नहीं है, वो तो कभी मतलब सालों में सदियों में एक आध बार कभी ऐसा होता है, तो फिलहाल उसकी संभावना नहीं है। आप डरे नहीं बहुत ज़्यादा, बढ़िया अच्छी नींद लें, बढ़िया मार्केट देखें, ट्रेड अगर मन करता है तो करें, नहीं तो छोड़ भी दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अनुज जी आपका भी और माल्या जी आपका भी जुड़ने के लिए।